तो ये गोभी का एक पूरा फूल है, इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, धो लिया था, और उसके बाद इसको नमक वाले गर्म पानी में 15 मिनट के लिए रख दिया था। इसके बाद इसको ड्रेन करके साफ़ करके मैं कद्दूकस कर रही हूँ। मैं बार बार चेक भी कर रही हूँ कि कहीं कोई इम्प्योरिटी वगैरह निकल आए तो, बट कुछ नहीं है, एकदम ही साफ़ फूल निकला था। पूरा ग्रेट कर लिया है मैंने इसे, और इसके बाद डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। अच्छी तरह से नमक को रब कर दीजिए गोभी के अंदर, और इसको कुछ 15-1 मिनट जो है साइड में रख देंगे, सो दैट ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, इसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी निकालने में हेल्प मिले। और गोभी मैंने बिल्कुल फाइन या मोटी मोटी नहीं घिसी है, जो मीडियम साइज का ग्रेटर होता है वहां से मैंने इसको कद्दूकस किया है। ये देखिए, ये गोभी जो है निचोड़ लिया है, बिल्कुल ड्राई, तो मैंने इसको एकदम नहीं निचोड़ा हम, क्योंकि हम पराठा नहीं कर रहे ना, कोफ्ता करेंगे तो थोड़ा मॉइस्चर चाहिए होगा बेसन के लिए। और ऐसे आप ये सारी की सारी जो गोभी है इसको निचोड़ करके तैयार कर लें, और इसके बाद ये जो पानी बचता है ना, तो आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आटा लगा सकते हो, पैरेलली कोई दाल बना रहे हो उसमें डाल सकते हो, या इट्स सेल्फ कोफ्ता की जो करी बनेगी उसमें डाल सकते हो। बट ये जो पानी होता है ये वात कारक होता है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। अब ये जो गोभी तैयार की है ना, इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ एक चीज़ें हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने काट के रखा है थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्ची, और ग्रेट करके रखा है थोड़ा सा अदरक। ये तीनों चीज़ें ज़रूर से डालिएगा। आप चाहते हैं थोड़ा प्याज डालना तो प्याज भी डाल सकते हो, आपकी चॉइस है, बट इसमें थोड़ा हरा धनिया, हरी मिर्ची एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अदरक ज़रूर से डालिएगा। करेंगे थोड़े से मसाले, मसाले में जाएगा इसमें थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर, बहुत लाल मिर्ची का पाउडर नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा, थोड़ा सा धनिया का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन। अब आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ना क्रश करके जो आखा धनिया रहता है वो भी डाल सकते हो। बेसन ज्यादा ना डालें, बस उतना ही जितने में ये सारा मामला बाइंड हो जाए। कोफ्ता में थोड़ा सा घी जरूर डाला कीजिए, वरना वो सॉलिड बॉल जैसे बन जाते हैं। देखिए, ये मिक्सचर रेडी हो गया है, मुझे इसमें एक बूंद पानी डालने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। बट इसे 5 मिनट का रेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि थोड़ा पानी वानी छूटेगा ना इसमें से, तो उसके हिसाब से आप बाद में एडजस्ट कर पाएंगे। मैंने अपने हाथों को ना ग्रीस कर लिया है, क्योंकि हमें इसके बॉल्स बनाने हैं, डेफिनेटली ये चिपकेगा हाथों में। तो मैं आपको बता दूं, अभी देखिए 5 मिनट इसको रेस्ट दे दिया है तो काफी सॉफ्ट हो गया है। तो इसके आपको कोफ्ते बनाने हैं, कोफ्ते यानी के बॉल्स ही बनाएंगे हम, लेकिन आपके पास दो ऑप्शन है। वन, या तो आप इसे फ्राई कर लीजिए, डीप फ्राई जैसे नॉर्मली करते हैं, वाह कितना सुंदर लग रहा है ऑलरेडी, या फिर आप चाहें तो आप इसको है ना वो कर सकते हो, अप्पे पैन में शैलो फ्राई कर सकते हो इफ यू विश। मैंने ना आपको, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैंने अप्पे पैन में इसको फ्राई किया था ना, आई टेल यू अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो आपका अगर चॉइस है तो अप्पे पैन वाला कर लीजिए, मैं इसको फ्राई ही करूंगी। और ये जो कोफ्ताज हैं इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिए। जब तक वो फ्राई हो रहे हैं मैं यहाँ पे चॉप कर लूँगी दो प्याज, बारीक कटे हुए प्याज चाहिए, आप चाहें तो इनको पीस भी सकते हो। ऑल्सो इसके लिए जो टमाटर है ना वो हम लोगों को चॉप नहीं चाहिए, जो कोफ्ताज रहते हैं उसमें आपका ग्रेवी जितना जितना स्मूद रहे उतना अच्छा है, चंकी नहीं होना चाहिए। तो ब्लेंडिंग जार के अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा अदरक, लहसुन, एक हरी मिर्ची, और मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ टमाटर। हो सके तो लाल लाल टमाटर लीजिएगा, और यहाँ चार छोटे छोटे से ये टमाटर है ना मीडियम साइज जैसे, तो चार टमाटर मिला के ये सारी चीज़ों को इकट्ठा ही बिना पानी के मैं पीस लूँगी। जो कोफ्ते हैं ना ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगे सब तरफ से, तब तक इनको फ्राई करना है। यहाँ देखिए इस तरह का कलर हमको चाहिए, कितना प्यारा बढ़िया गोल्डन हो गया है ये। तो एक एक करके जो कोफ्ते पहले डाले थे ना वो पहले ब्राउन हो जाएंगे, तो जो जो ब्राउन होते जाएंगे वो मैं निकाल लूँगी। कोशिश कीजिए सभी तरफ से एक जैसा बढ़िया यूनिफॉर्म कलर ले लें। और ये देखिए ये हो गए हैं कोफ्ता बॉल्स रेडी। ये अपने आप में एज स्नैक भी आप इन्हें खा सकते हो, बट इसका करी करेंगे। कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल स्मोक किया है, ऐड किया है बे लीफ, बड़ी वाली इलायची, जीरा और बारीक कटे हुए प्याज। प्याज हमको बहुत अच्छे लाल भूनने हैं, इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा
नमक भी ऐड कर दूंगी। और अब इसको थोड़ा सा बीच बीच में स्टर करते हुए ऐसा अच्छा डीप वाला भून लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ऐड करेंगे फिर इसके अंदर जो टमाटर अभी हमने पीस के रखे थे। अब सारी चीज़ों को मिला करके भूनेंगे तब तक जब तक जो ये टमाटर जो ऐड करें हैं ना, इसका भी मॉइस्चर थोड़ा सा कम हो जाए। देखें इस तरह थोड़ा चटनी जैसा लगने लगेगा, तब करेंगे पाउडर मसाले। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा कसूरी मेथी, बिल्कुल थोड़ी सी चीनी, हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्ची का पाउडर। चीनी सिर्फ फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए, स्वीटनेस डालने के लिए नहीं। सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और मसाला बढ़िया तरह से भून लीजिए। मसाला जब अच्छे से भुन जाता है ना, तो वो थोड़ा सा ड्राई भी हो जाता है, कलर भी डार्क हो जाता है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। आपके हिसाब से इसमें पानी और नमक एडजस्ट कर लीजिए। मतलब ये करी आपको रोटी, राइस, पराठा किसके साथ खाना है उस हिसाब से आप ग्रेवीज में रख सकते हो। बट ध्यान ये दीजिएगा कि कोफ्ते जो होते हैं ना, अगर आपके कोफ्ते अच्छे बने हैं, सॉलिड नहीं बने, तो वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेवी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ग्रेवी में एक बॉइल आ जाएगा, उसके बाद ही इसके अंदर कोफ्ताज ऐड कीजिए। ढक्कन लगाकर इसको 3-4 मिनट सिमर होने दीजिए। बट ध्यान दीजिएगा कोफ्ता का जो ग्रेवी है ना, उसे आप टेस्ट वगैरह कर लीजिए, उसमें नमक वगैरह सब पहले ही सब ठीक कर लीजिए। हम इसको राइस के साथ खाने वाले हैं, तो मैं फटाफट से कुकर के अंदर ही बना रही हूँ जीरा राइस। और मैं आपको दिखा दूँ, कोफ्ताज हो गए हमारे रेडी। लुक एट दिस, मैंने गैस बंद कर दिया था। बस फाइनली ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया, एक स्टर दीजिए और ये कोफ्ता करी इज़ रेडी। लुक एट दिस, कितनी बढ़िया लग रही है। जो कोफ्ताज होते हैं ना, उसमें आपको अलग से बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती, काजू या क्रीम इस तरह की चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ प्याज टमाटर से ही इसकी ग्रेवी बहुत मज़ेदार बन जाती है। और कोफ्ताज रिलेटिवली लाइटर ही होते हैं जो हैवी ग्रेवीज होते हैं ना, उसके कंपैरिजन में। यहाँ मेरे राइस भी रेडी हो गए थे, तो प्रेशर निकल गया है कुकर का, तब मैंने ढक्कन खोला, फ्लफ कर लिया है, चावल भी हो गया रेडी, टाइम फॉर प्लेटिंग। आज की सिंपल सी थाली में है जीरा राइस, गोभी का कोफ्ता करी, देन ये है मिक्स वेज रायता और थोड़ा सा सैलेड। आप ट्राई देना, आपको ये कोफ्ता करी बहुत अच्छी लगेगी।